स्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपको बहुत ही दुखद सूचना देनी पड़ रही है। पूजनीय पंडित जी जो 14 अगस्त दिन सोमवार, सावन का सोमवार, और शिवरात्रि सावन की इस दूसरी शिवरात्रि पर जो ऑनलाइन पूजन करवाने वाले थे, वह अब नहीं होगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि 16 तारीख को पूजनीय पंडित जी और उनके साथ जो भी लोग हैं, उनकी जो टीम है, उन्हें 16 अगस्त सीओर में जो कावड़ यात्रा निकालनी है, उसके लिए उन्हें वहां जाना होगा और उसके लिए व्यवस्था करनी होगी प्रशासन के द्वारा। तो उसमें सभी लोग अभी लगे हुए हैं, तो इस कारण से पूजनीय पंडित जी अब जो कथा में बताया था उन्होंने कि वह ऑनलाइन पूजन करवाएंगे, लेकिन अब इस परिस्थिति में वह पूजन नहीं करवा पाएंगे। तो आप सभी लोगों ने जो तैयारी की है, पूजन की सामग्री एकत्रित की है, उसका अब क्या होगा, आप किस प्रकार से पूजन करेंगे, इसीलिए आज हमने यह वीडियो बनाया है। पूजनीय पंडित जी ने आज की श्री शुभ महापुराण कथा में यह सूचना दी कि वह 14 अगस्त दिन सोमवार, सावन का सोमवार और शिवरात्रि पर जो पूजन करवाने वाले थे, वह अब नहीं होगी। तो आप किस प्रकार से अब पूजन करेंगे, कैसे आप पूजा कर पाएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि आपने यदि तैयारी कर ली है। हमने भी आपको पहले बताया है कि आपको कौन कौन सी सामग्रियां चाहिए होंगी और किस प्रकार से आप पूजन करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि पंडित जी पूजन करवाने वाले थे, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में पूजनीय पंडित जी ने आज की कथा में बताया कि वह पूजन नहीं करवा पाएंगे। तो आप जान लीजिए कि किस प्रकार से आपको पूजन करना है। पूजनीय गुरु जी ने बताया है कि जो 15 जुलाई को उन्होंने सावन की शिवरात्रि का पूजन रात्रि 9 बजे करवाया था, उसका ही उनके ऑफिशियल चैनल पर वीडियो डला हुआ है। तो उसी वीडियो को देखकर आप पूजन कर सकते हैं। जैसे विधिवत पंडित जी ने पूजन करवाया था, उसी प्रकार से आपको पूजन कर लेना है और जो जो सामग्री आपने ली है, वह एक एक कर अर्पित कर देना है। आप उस विधि से पूजन करेंगे तो महादेव आपसे प्रसन्न अवश्य ही होंगे। आप अपने घर बैठकर पूजनीय पंडित जी का वह वीडियो लगाकर भी शाम के समय पूजन कर सकते हैं। जब भी आपके घर के सदस्य मौजूद हों, आप तब पूजन कर सकते हैं। पूजनीय गुरु जी का वह वीडियो आप निकाल लें, आपको आराम से मिल जाएगा। और यदि नहीं मिल पा रहा है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो आप उस वीडियो को देखकर भी कल यानी कि 14 अगस्त सोमवार, सावन की शिवरात्रि पर रात्रि के समय पूजन कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और आपको हमारे चैनल पर डले हुए पूजनीय पंडित जी के बताए गए उपाय अच्छे लगते हों, तो आप उन्हें अवश्य ही करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। और यदि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं छोड़ते हैं, तो कृपया कर कमेंट अवश्य लिखें। कमेंट में कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।